देखो ये मीटर ब्रिज है, बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है, ये एक सिंपल लॉजिक पे काम करता नाम है वीट स्टोन ब्रिज। ये पी और क्यू कुछ रेसिस्टेंस है, क्या है ये वन और ये रेसिस्टेंस टू। पी और क्यू क्या है, रेसिस्टेंस वन एंड रेसिस्टेंस टू। अभी देखो यहां पे ये एक डिवाइस है, इसका नाम है जॉकी। क्या नाम है? J4 जॉकी। और ये जॉकी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये क्या मेजर करेगा, क्या रीड करेगा, करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। ये एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होता है, और मान लो इसका रेसिस्टेंस आर है और इसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर। अब खुद सोचो कि ये जो जॉकी होता है ना, ये मूवेबल होता है, मतलब आप इसको ऐसे मूव करा सकते हो, ठीक। यहां कभी यहां लाए, कभी यहां लाए, कभी यहां लाए, कभी यहां लाए, कभी यहां लाए। ये डिवाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल में भी पूछेगा, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल में भी पूछेगा। प्रैक्टिकल का तो कोई नाम परेशान नहीं है, ऐसे ही होता है, बिहार में भी होता है। आप तो बोलो, आप तो सर सही कह रहे थे, भाई कोई नहीं, देखो ये ठीक है। अभी अगर इसमें करंट हम फ्लो कराएंगे किसी भी जगह से, करंट दे दीजिएगा इस सर्किट पर, अगर घूमेगा करंट, तो एक बात है कि अगर ये वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ किस तरीके से, तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा। यहां का रेजिस्टेंस आर वन, इधर का आर टू, जहां कहीं आप जॉकी लगाए उसी तरफ का आर थ्री और इस तरफ का आर फोर, ठीक। अगर ये जॉकी ऐसी जगह पे है जहां इसका और इसका रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इन दोनों के रेजिस्टेंस के बराबर आ जाए, तो क्या इस वाले बीच वाले से करंट फ्लो करेगा? समझे नहीं, स्टोन ब्रिज विद स्टोन ब्रिज आर टू आर वन इंटू आर फोर इंटू आर टू इंटू आर थ्री। आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर, ऐसा अगर कंडीशन है, ठीक है, और आपने करंट कहां से दिया है बता दे। ये वाला कंडीशन याद है, अभी शायद सबको याद आएगा। अगर ऐसा हो जाए तो बीच वाले से करंट फ्लो नहीं करता, आप उसको मिटा सकते, मतलब अगर यहाँ पे ऐसा भी होता ना तो इसका रेसिस्टेंस काउंट ही नहीं होता, ये भूल जाते। तो भी बता रहे ऐसा होता, ठीक है, सेम यहाँ पे भी। अगर इसका और इसका, इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर हो जाए तो इस गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या आएगा, जीरो। मतलब हम चुपचाप क्या कर रहे होते हैं कि जॉकी को घुमा रहे होते हैं, हमको नहीं पता कहां हमेशा बैलेंस हो जाए, हमको नहीं पता, क्योंकि ये सब हम चेंज करते रहते हैं, ये हम चेंज करते हैं, एक फिक्स होता है, एक फिक्स होता है, एक हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज निकाले, रेजिस्टर लगा दीजिए,
या कई बार रेओस्टेट यूज करते हैं। रेओस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, जितना स्विच ऑन किया उतना रेसिस्टेंस हाई होगा। ऐसा थोड़ा सा होता है। अरे वो स्विच में रहता है ना फैन के, उसको कम पे उधर एक हां हां ये वाला देखो रेगुलेटर। मान लो यहां स्विच है, एक यहां स्विच है, एक यहां स्विच है। अब तुम खुद सोचो अगर तुम स्विच वन ऑन किए हो तो ये और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा, ये भी ऑन क्यों, ये भी सीरीज में, ये भी ऑन क्यों, ये भी सीरीज में होगा। अगर ऑफ किए सिर्फ यही रहेगा, इसको ऑन के ये दोनों ऑफ है, सिर्फ ये दोनों रहेगा। समझ रहे हो बात? हाँ। तो इसको ही वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। रियोस्टेट ऐसे ही काम करता है, बॉक्स की तरह। समझे? एक फिक्स है, एक हम चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कौन सा रेसिस्टेंस लगाए आपको पता है क्या? जैसे मान लो ये वाला आपको पता है 100 है, ये 100 है आपको पता है, या आप कह लेते हैं ये हमको नहीं पता एक्स, ठीक। दूसरा बात है, अब ये हमको नहीं पता तो क्या हम बैलेंसिंग लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। हम क्या करते हैं, जादू को यहां से शुरू करते हैं, घुमाना शुरू करते हैं ऐसे, ठीक है। जिस पॉइंट पे, जैसे मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट एक्स पे अगर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 आ गया, मतलब वही बैलेंसिंग पॉइंट है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे इस एक्स और आर फोर, मतलब एक्स आर फोर इज इक्वल टू आर थ्री इनटू टेन होगा, उसी को हम बोले बैलेंसिंग लेंथ। नहीं, लेकिन वहां पे आएगा तो आर फोर पे आएगा तो ना बैलेंसिंग होगा। आर फोर पे आएगा तो मतलब अगर बैलेंसिंग लेंथ है तो हम कह सकते हैं एक्स आर फोर इज इक्वल टू आर थ्री इंटू टेन। अब हम x निकाल सकते हैं क्या? R3 into 10 by R4, ठीक। अब ये यूनिफॉर्म वायर है, मतलब इसका हर एक यूनिट लेंथ पे जो रेसिस्टेंस होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, फिक्स होगा, ऐसा ही होगा ना? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? देखो, अगर ऐसा हुआ तो हमको R3 पता, या सीधा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, मान लो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ आर थ्री, बोल सकते हैं इंटू टेन बाई रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ आर फोर। ये कटेगा क्या? बचेगा लेंथ के टर्म्स में आ गया। अगर हम कह रहे हैं इसका एक सेंटीमीटर पे रेसिस्टेंस आर बाई 100 है, तो 100 सेंटीमीटर पे रेसिस्टेंस कितना होगा? आर बाई 100 इंटू आर, ठीक। 100 सेंटीमीटर है, हाँ। उसी तरह सेंटीमीटर का तो टोटल का रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है और टोटल लेंथ 100 है, तो एक सेंटीमीटर पे कितना? आर बाय हंड्रेड। तो हमको नहीं पता ना, तो उसको हम आर बाय 100 लिख सकते हैं, यहाँ भी आर बाय 100 लिख सकते हैं, एक सेंटीमीटर इंटू लेंथ ऑफ आर जो ये बैलेंसिंग लेंथ मिल जाए। अभी ठीक, तो ये वाले को लेकर लेंथ ऑफ एल थ्री आर से जितना लेंथ आर एल थ्री होगी और इसको एल फोर बोलती लेंथ को, तो इन दोनों का रेसिस्टेंस मिल गया कि इतने दूरी का रेसिस्टेंस कितना और इतने दूरी का रेसिस्टेंस कितना है। समझ रहे बात? हाँ या ना? बोलो, मैं दूसरे तरीके बताएंगे। ठीक है, दूसरे तरीके। अगर हमको आर रेजिस्टेंस ऐसे करो, अगर 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर है तो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा?
ठीक, ये चीज यहां लिखा भी हुआ है। अभी देखो इस लेंथ में हम लोग बोले L3 और इस लेंथ में हम लोग बोले L3 लेंथ पे रेजिस्टेंस कितना होगा? हाँ वही है R by 100 into L3 कर दे। हाँ समझ में आ रहा है क्या बोला? फिर से देखो ये चीज ठीक है। अभी देखो हमको मान लो बैलेंसिंग लेंथ यहां मिला और उस बैलेंसिंग लेंथ का इस वाला पार्ट का लेंथ कितना है इस वाले का, या फिर इसको वैसे भी लिख सकते हैं, मान लो कोई L3 पता तो 100 माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस टोटल उसका टोटल इनटू आर साइड 100 होता है। अभी देखो हमको पता है x इनटू आर फोर इज इक्वल टू आर थ्री इनटू 10 बैलेंसिंग लेंथ लिख दिया, x निकालना है आप से लिखूंगा 1 सेंटीमीटर का लेंथ मतलब डिस्टेंस इनटू कितना लिखा है ये 10 होगा ठीक। एल फोर की जगह पे थ्री के टर्म में चाहिए तो 100 माइनस एल थ्री ठीक है यहां तक। तो अगर इस एल फोर को आपको एल थ्री के टर्म में चाहिए तो 100 माइनस एल थ्री कर लो वही चीज लिखाओ। एक तरीका तो ये हुआ, एक तरीका होता है इन दोनों का जैसे ये लिखा ना इसको डिवाइडिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं आर वन बाई आर थ्री। देखो देख रहे हो एक साइड वाले को आर वन बाई आर थ्री इज इक्वल टू आर फोर बाई आर टू लिख सकते हैं ना ऑन एंड वैसे यहां लिखा डी बाई क्यू इज इक्वल टू आर के जे ये वाला इसको जॉब को लेते हैं बाय आर जे डी एक साइड वाला दोनों इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए जे बाई जे बी। अब उसी को लेंथ में हमने कन्वर्ट कर रहा बस आ गया पी बाई टू। तो दिक्कत